तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी के जो गुंडक ऐप होती है, उसके उसके अंदर एक ऐप होती है, आप सोच सकते हैं, एक मॉड्यूल होता है लॉक स्टार मॉड्यूल, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में ये ऐप क्या काम करती है, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इस चैनल फेसबुक पर भी फॉलो करना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआई टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के जो गुंडा कैप होती है ना, उसके लॉक स्टार मॉड्यूल के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गुडलक वाली ऐप में चले आना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद या मेकअप वाले एक्शन में जाएंगे तो आपको लॉक स्टार ऐप में एक नया अपडेट मिल रहा होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप यहीं से करेंगे तो यही हो जाएगा। अगर आपको उसको लेके जाना है आपके गैलेक्सी स्टोर में, तो आपको गैलेक्सी स्टोर में चले आना है। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद वो आपको बताएगा कि इसमें एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल है, इस अपडेट में क्या नया चेंजेस किया गया है और कब अपडेट रोल आउट किया गया है। नीचे की तरफ देखेंगे, इस अपडेट को 4 अगस्त को रोल आउट किया गया है। बहुत ज्यादा पुराना है, पर मैंने आज तक अभी इसको अपडेट नहीं किया था, अभी रिसेंटली अपडेट कर रहा हूँ। और इसमें कुछ नए चेंजेस नहीं दिए गए थे, इसमें फ्लिप फोन्स के लिए यहाँ पर कुछ इश्यूज थे उसको फिक्स आउट किया गया था और कुछ बग्स को यहाँ पर फिक्स आउट किया गया। अब मैं आपको इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ इस अपडेट के बाद, कि एक्चुअल में इस ऐप का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं और ये काम कैसे करता है। दोस्तों ये ऐप का नाम है लॉक स्टार, तो लॉक स्टार आप समझ लो कि लॉक स्टार को कस्टमाइज या लॉक स्क्रीन को कस्टमाइजेशन के लिए इसका काम करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए आपको गुडलक वाली ऐप में जाना होगा, क्योंकि ये यहाँ से ओपन नहीं होगा, तो आपको अपने मोबाइल के गुडलक वाली ऐप में चले आना है, लॉक स्टार वाली ऐप में चले आना है। ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको उसको परमिशन दे देना है। तो यहाँ पर आप 2 स्क्रीन को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन और आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्क्रीन, AOD स्क्रीन, दोनों को यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन को यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद मैं इस स्क्रीन पे आ गया हूँ। इस स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा स्क्रीन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर टैप करना है। टैप करने के बाद अगर मान लो आपको ये नहीं चाहिए, आपने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर वापस टैप करेंगे तो इसमें आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं वो आपको बता देगा। लाइक आप इसके अंदर क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, इसमें आप क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड स्टिकर्स, स्टिकर्स को ऐड ऑन करना है तो वो स्टिकर्स को ऐड ऑन कर पाएंगे। आप देख रहे हैं स्टिकर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। विजार्ड्स में जाएंगे तो आपको इतने सारे विजार्ड्स मिल जाएंगे जो भी आप अपने लॉक स्क्रीन में लगाने चाहते हैं। पहले इतने सारे विजार्ड्स नहीं आते थे, अब यहाँ पर बहुत सारे विजार्ड सपोर्ट कर रहा है। रियल में आपको कैमरे से रिलेटेड, बिक्सवी से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, क्लॉक से रिलेटेड, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, डिवाइस केयर से रिलेटेड, सारे जितने भी है ना सब आपको वहां पर दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं जितने भी हैं सब आपको दिख रहे हैं। आपको सिंपली जिसको भी करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है, देन उसको एक्सेस कर लेना है। डिवाइस केयर पे गए, डिवाइस केयर पे जाने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, उसको ऐड ऑन कर दिया, अब वो वहाँ पर ऐड ऑन हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, कहाँ उसको कस्टमाइजेशन करना है आप उसको कस्टमाइजेशन भी यहाँ पर आप कर पाएंगे। उसके अलावा विजार्ड्स में, विजार्ड्स देख लिया, विजार्ड्स के बाद आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप ऐड ऑन करके कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ ये है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये दिख रहा है ना ये टाइम्स, इसको भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अच्छे लेवल से। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारे स्केल्स मिल जाएंगे क्लॉक स्टाइल्स के, आप देख रहे हैं ना इतने सारे क्लॉक स्टाइल्स मिल जाएंगे। जिस भी क्लॉक स्टाइल को आपको ऐड ऑन करना है या जिस क्लॉक को आपको अपने यहाँ लॉक स्क्रीन पे लगाना है, आपको उस स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, मतलब उस पर टैप कर देना है और वो आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा। लाइक मुझे ये वाला लगाना है, सपोज ये लगाना है, वो आप देख रहे हैं वो लग चुका है। आप उसके स्केल को भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट सब आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा ये हो गया है, ये नीचे आइकन्स मिलते हैं, आप आइकन्स को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी आइकन आपको ऐसे दिख रहे होंगे, आप चाहें तो उसको लॉक स्क्रीन का भी कर सकते हैं कि लॉक रहे, वो किसी को दिखे भी ना, ऐसा भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी को, उसके कलर्स को भी यहाँ पर आप इनहांस कर सकते हैं। तो पूरी लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हो गया, इसको करने के बाद आपको सेव कर देना है और आपके लॉक स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको लॉक करके दिखाऊं, फिर आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट हो गया, जो मैंने आपको बताया था वो पूरी तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसी के अंदर जो आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपको यही इस पे क्लॉक पे क्लिक करेंगे तो क्लॉक कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे, वही सारे क्लॉक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, या चाहे तो आप बैटरी परसेंट को भी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में यहाँ पर आपको नीचे नोटिफिकेशन हिस्ट्रीज को कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप कस्टमाइज कर पाएंगे। अलावा विजार्ड्स को ऐड ऑन करना है तो विजार्ड्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको कस्टमाइजेशन करना हो तो इसको भी आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि ये किस स्टाइल में दिखे, ये भी आप यहाँ पर आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉक स्टार।
ये काम करता है, और इसमें और कुछ भी नहीं है, वॉलपेपर सेट आउट करना है तो दोनों के लिए आप यहाँ पर एक कोई भी वॉलपेपर को सेट आउट करेंगे वो सेट आउट हो जाएगा। लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन, वो भी आप यहाँ पर आप सेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉक स्टार। तो बहुत ही शानदार ऐप है, और अच्छे से कस्टमाइजेशन के लिए लॉक स्क्रीन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इसमें विजार्ड्स भी एड ऑन हो गए, जैसे मेरे पहले वाले A52 इसमें विजार्ड्स के ऑप्शन नहीं आते थे, अब आप इसमें विजार्ड्स भी एड ऑन कर सकते हैं और अच्छे से अपने कस्टमाइजेशन को यूज कर पाएंगे। यही नया अपडेट था, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलते रहे, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर ही फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।